एक बटन दबाओ दुश्मनों को हटाओ बेईमानों को। अच्छा एक बटन दबाओ बेईमानों को हटाओ बेईमानों को बाहर पड़ रहा है और बार बार यदि 15 महीने में चुनाव होता रहे किसका किस पर बार पड़ेगा? हम लोगों पर बार पड़ेगा, हमारे गरीब लोगों पर बार पड़ेगा। ये घर घूमनी है, ये बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं। 5 साल जीत के जाइए ना का करे कुछ कहले हम ना रोड ना आगे कुछ कहले ना सड़क गई इतना पानी लगा था एक बरसात में इतना पानी लगेला तो आना ना पड़ दबाव नहीं। इसीलिए तो बहन जी कैंडिडेट नहीं दी, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दिया। इनको सबक सिखाना है कि दल बदलू किस तरह होना चाहिए। अच्छा अच्छा, गरीब आदमी को देखो, रास्ता घाट देखो, अब आए ना गाड़ी लेके, वही रास्ता है ना हम लोग के गांव में। कितना वहाँ गड्ढा है, पानी रहेगा तो आप कैसे आएंगे, उधर से वापस हो जाएंगे। तो हम लोग का यही विचार है कि सुधाकर को हम लोग निकालेंगे। नमस्कार आदाब, मैं शनु आजमी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। जैसा कि हम जान रहे हैं कि घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ के 2022 के आम चुनाव में निर्वाचित विधायक दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, जिसके तहत यह उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व मंत्री रहे दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 2 बार के विधायक रहे कद्दावर नेता सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे तो लगभग कल नामांकन पत्रों की जाँच के बाद 11 पर्चे वैध पाए गए, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान के बीच में ही देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा के चंद्रापार बाजार है ये, और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस चुनाव को किस तरह देखते हैं, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, हम लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? श्यामदेव। उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल लग रहा? माहौल सुधाकर के पक्ष में जा रहा है। सुधाकर के पक्ष में। ये उपचुनाव जो हो रहा है, चुनाव अभी 2022 में ही चुनाव हुआ है, 15-16 महीना पहले, और ये अब चुनाव जो हो रहा है, इसको आप अच्छा मान रहे हैं कि गलत मान रहे हैं? गलत है। गलत है। गलत है। ये बार बार हर पार्टी में जाते हैं और हर पार्टी छोड़ कर भागते हैं। ये बताइए, चुनाव 15 महीना पर छोड़कर भागे हैं तो किस वजह से भागे हैं? इनको मलाई चाहिए। लोगों का ना कि दारा सिंह बड़े नेता हैं। बड़ा कौन नेता हूँ, सुधाकर सिंह से बड़ थोर। अच्छा। अरे सुधाकर सिंह उनसे बड़ नेता हूँ। लोग कहते हैं बड़े नेता हैं, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, मंत्री रहे, उसी से ने पार्टी बदल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। यानी इस बार माहौल उनके पक्ष में नहीं जा रहा? कोई माहौल नहीं है। सुधाकर सिंह का माहौल? हाँ, सुधाकर सिंह का है। अच्छा। क्या नाम प्रगति? दीनानाथ। क्या माहौल लग रहा है? माहौल 15 महीने पहले चुनाव हुआ था, जब ये विधायकीय लड़ना था तो विधायक तो थे ही, फिर उसका इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट लड़ते तब कुछ बात कही जा सकती थी, लेकिन फिर विधायक की आकर उसी क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो ये मेला घूमनी है, मेला में जैसे लोग घूमते हैं इस दुकान से उस दुकान, तो बसपा में गए, बसपा के बाद फिर सपा में आए, सपा के बाद फिर चले गए भाजपा में, फिर भाजपा में भाजपा से भी इधर आए थे, सपा में आए। तो इनका यही पेशा है, इनको पैसे चाहिए, इनको वोट नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर इस बार ये चुनाव हारे, हारेंगे निश्चित, तो कोई पार्टी इनको तरजीह नहीं देगी या ना कोई पार्टी इनको एंट्री करेगी। नहीं, जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया, हमें लगता है कि डिप्टी सीएम से लगाए आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री लोग आए और शक्ति प्रदर्शन दिखाया, क्या उसका असर दिखेगा? एक बात बताइए कि क्षेत्र हमारा है, हम कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ की जनता हैं। कोई लखनऊ से आकर, दिल्ली से आकर मंत्री यहाँ पर कितना वोट बना सकता है, क्या प्रभाव डाल सकता है? प्रभाव तो हमारा है, प्रभाव तो जनता का है,
जनता जो चाहेगी कहने की वो करेगी, लेकिन जनता इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें सुधाकर सिंह को 80% से कम वोट मिले। पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं, उसमें कोई बट लेकिन नहीं है। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? राम प्रसाद यादव। ये उपचुनाव हो रहा है, मालूम ही होगा। उपचुनाव एक तरह से देखा जाए जो उपचुनाव हो रहा है, बिन मौसम बरसात जो कहावत कही जाती है कि मौसम नहीं था, मौसम तो 24 में आता ना बरसात वाला, ये तो बिन मौसम बरसात हो गई। कैसे देखते हैं ये, अच्छा है जनता के लिए? ये जनता का भार पड़ रहा है, और बार बार यदि 15 महीने में चुनाव होता रहे, किसका किस पर भार पड़ेगा? हम लोगों पर भार पड़ेगा, हमारे गरीब लोगों पर भार पड़ेगा। ये घर घूमनी है, ये बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं जी। यानी इस जो उपचुनाव हो रहा है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये दारा को हम लोग मानते हैं। हाँ, मतलब ना इस्तीफा देते ना तो। हाँ, कम से कम इनको 5 साल बिताना चाहिए था, उसके बाद आते। ये जनता का करोड़ों लाखों खर्च पड़ा है, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, ये इनका दोष है। क्या हम लग रहा है इस बार? इस बार तो सुधाकर एकदम क्लियर हूँ, एकदम हर गाँव में 80% वोट है। यादवों की बात छोड़िए, चौहान बस्ती हुई, चमार बस्ती हुई, राजभर बस्ती हुई, ये लोग कह रहे हैं। हम लोग कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि यादव है यादव। अच्छा, यादव जी जी। अच्छा। तो हम लोगों के कहने से नहीं है, और लोग कह रहे हैं। अच्छा, इस बात को जी। क्या क्वालिटी नजर आ रही सुधाकर में, जो मुद्दा बन जा रहा है कि नहीं? सुधाकर की क्वालिटी यही, एक तो क्षेत्रीय नेता है, और ये जिस पार्टी में रहे, चाहे हारे या जीते, अपने वर्चस्व को बनाए रहे। घर घुमानी नहीं है। अच्छा, घर घुमानी नहीं है, ये अपने जगह पर रहे, यही हम लोगों को अच्छा है। और हम लोग जब चाहेंगे तब उनसे मुलाकात कर लेंगे। ये तो यहाँ जीतेंगे, फुर हो जाएंगे, ये न किसी की मरने जीने न दुख तकलीफ में आने को तो है नहीं, बस जीतेंगे चले जाएंगे अपने घर। और ये तो बेचारे, कम से कम कोई भी होता है तो हमारे यहाँ शादी हो, मैयत हो, कुछ भी हो, आते हैं। हाँ, ये दोनों सुजीत और सुधाकर सिंह दोनों लोग चलते हैं, अलग-अलग क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जी जी, हमेशा घूमते हैं। यह नहीं है कि आज विधायक हो जाए न हो, लेकिन ये लोग हमेशा सबके दुख दर्द में अपने को करते हैं, हाजिरी देते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। चाचा, क्या नाम पड़ी? कैलाश सोनकर। सोनकर जी, का माहौल चला? बढ़िया है साहब। केकर? सुधाकर सिंह। हाँ, हम लोगों के घर का नेता हूँ। अच्छा। हाँ, जब चल रही तब बोला ले, जब चल रही तब पहुँच जल रही। अरे, एक जन और ही लड़ता हूँ भाजपा से, बड़का नेता हूँ। मन से मतलब ना, बड़ नेता हूँ। वो संसद रहे चाहे कुछ और, मन से मतलब ना। अच्छा, कौनो मतलब ना उनसे। 5 साल जीत के जाइल ना, का करे कुछ कैले हम ना, रोड ना आगे कुछ कैले ना। सड़क इतना पानी लगा था, एक बरसात में इतना पानी लगेला। हाँ, वो सड़क ना बन पौला, जीत जीत के लोग चल जाता, कोनो काम ना लोग करा था। एक बार कहाँ मूड बनौल? हम सुधाकर सिंह के बनौल। हम लौटन भारतीय हैं, हम लोग सुधाकर सिंह को वोट देंगे। सब जानी है, सब कहीं दबाव बना न पड़ गया? दबाव नहीं, इसीलिए तो बहन जी किस कैंडिडेट नहीं दी, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दिया। इनको सबक सिखाना है कि दल बदलू किस तरह होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बसपा ने ही इनको नेता बनाया, बहुजन समाज पार्टी ही जो इनको नेता बनाया, विधायक बनाया, एमपी बनाया, काना राज्यसभा में भेजा, उसके बाद सपा में आए, सपा में जीते, फिर बीजेपी में चले गए, बीजेपी से फिर जोगी जी को उल्टा सीधा बोले कि ये हमारा सुनते नहीं है, ये करते हैं, वो करते हैं, भाग के सपा में आए। सपा के लोग, हम लोग भी वोट दिए, हम लोग भी बहुजन वाले भी वोट दिए, का नाम सुधाकर सिंह को, दारा सिंह को, जीत करके गए 1.5 साल में। फिर चुनाव आ गया, ये चुनाव का खर्च किसके सर पर आएगा? यानी बसपा ने इनको सबक सिखाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा है? बिल्कुल यही है। हाँ, इस बार सभी लोग का विचार है कि सुधाकर को वोट दिया जाए। कि देखी देखा सबके तनी सा नहीं, देखा देखी नहीं है। अच्छा, नहीं सुधाकर खाते। हाँ, और देखिए कुछ लोग भी, देखिए एक प्रधान जी भी आ गए, उनसे भी हम बात करते हैं ना। प्रधान जी, क्या नाम पड़ेगा? रमेश सोनकर।
क्या माहौल चल रहा है? यहाँ सब सुधाकर हैं। सब सुधाकर टोटल एक तरफा मान लीजिए। आप जिस समुदाय से आते हैं, नॉर्मल तौर पर माना जाता है कि आप लोग, आपका समुदाय भाजपा से जुड़ा होता है बड़े पैमाने पर। जी जी। लेकिन यहाँ तो तस्वीर दूसरी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हम लोग के लोकल विधायक हैं। अच्छा, लोकल। आई लोग नेवसिया आकर के चुनाव जीत कर चले जाते हैं। अच्छा। फिर झांकने नहीं आते हैं। अच्छा। नहीं, जैसे सांसद भी रहे दारा सिंह चौहान, मंत्री भी रहे, विकास उकास की क्या कुछ कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है उनका। नहीं, इस बार क्या मतलब माहौल बन रहा है? सुधाकर सिंह, सुधाकर सिंह एकदम, कहीं कुछ दूसरा नहीं, कोई चानस हम लोग को नहीं है, कोई चानस नहीं। इधर उधर भी हैं कुछ लोग, उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? अरे हम नहीं बात। अरे बताइए, लोकतंत्र है, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बोल रहे? क्या नाम पड़ेगा? सुभाष सोनकर। सुभाष सोनकर जी, क्या माहौल चला था? माहौल साहब यही है कि हम लोग के नेता सुधाकर हैं। अच्छा। और सुधाकर के विजय करे के है। अच्छा। अब दारा सिंह चौहान जी हैं, ये पूछब कि कभी चंद्रा पार में आप गए हैं? अच्छा, कभी नहीं आए दारा? नहीं। अच्छा। जब इलेक्शन आएगा तब वो आएंगे, बस एक ही बार। हाँ। दोबारा उनको चांस नहीं मिलेगा कि चलो गरीब आदमी को देखो, रास्ता घाट देखो। आप आए ना गाड़ी लेके? हाँ। वही रास्ता है ना हम लोग के गाँव में। हाँ। कितना वहाँ गड्ढा है, पानी रहेगा तो आप कैसे आएंगे? उधर से वापस हो जाएंगे। तो हम लोग का यही विचार है कि सुधाकर को हम लोग निकालेंगे। सुधाकर सिंह आते होते हैं? बहुत आते हैं, अभी कोई बात हो गया तो गाड़ी से आ जाएंगे। हम लोग में कोई बात हुआ घोसी जाएंगे, बुलाएंगे, वो आ जाएंगे। चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो। ठीक है, वोटर तो हो गए हो ना इस बार? पहली बार वोट देना होगा? किसको वोट दे रहा है? साइकिल पे। साइकिल पर कहाँ है? हाँ, सुधाकर सिंह जानी फल आने में कोई बात है जो चली है। अच्छा अच्छा, मतलब लोकल के नाते वोटर हो गए? पहली बार वोटर देंगे कि एक बार दे चुके हैं एक बार साइकिल को ही। अच्छा, एक बार साइकिल को दिया था यानी दारा सिंह चौहान जी? इस बार उसी को देंगे, सुधाकर सिंह को। दारा को? दारा नहीं, एक बटन दबाओ दुश्मनों को हटाओ, बेईमानों को। अच्छा, एक बटन दबाओ बेईमानों को हटाओ, बेईमानों को हटाओ। तो बड़ी बात इन्होंने कही कि एक बटन दबाओ बेईमानों को हटाओ। हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात के क्या नाम पड़ेगा चाचा? रामकृष्ण चौहान। चौहान जी, क्या हाल है? ठीक है, लेकिन बिरादर का क्या? बिरादर कैसा ना, बिरादर को समझ ल ना कुछ हो। दारा सिंह चौहान बिरादर बने कुछ ना। अरे, भाजपा के बड़ नेता कहल कि चौहानों के नेता हैं, बड़े नेता। वो तो ठीक है, लेकिन भाग के जाता वहाँ अपने बड़की पार्टी में कि हम बचल रह, जैसे कि ईडी का जांच हो जाए तो बचल रह। ये हमारे तो भाग के गल हम में। अच्छा। बात यहाँ से हो, समझली ना? हाँ, कि समाज की भलाई के लिए हम गए। ठीक है, नहीं नहीं, समाज भलाई ना हमें, वो अपन भलाई चाहता हूँ, स्वयं का भलाई चाहता हूँ। हाँ, समाज का कौन? ना ना, कौन मतलब ना है ना, तो इधर उधर पार्टी से बदले कौन मतलब ना रहा। चुनाव बार बार हो, जनता भार पड़ी के ना काम उठ बना ले। ये हाँ, कहना ठाकुर साहब की दिया कहना, और दूसरा कौन बात नहीं था। हाँ हाँ, बिरादरी का काम? बिरादरी से न कौन मतलब ना हमारा, ये राजनीति बार बिरादरी से कौन मतलब था कि ना, बिरादरी कौन माने ना। तो का चीज़ ठाकुर साहब में देख ले हैं? ठाकुर जी मान लें कि ये सब वही हम, वो हमेशा कहना कि हम सबके साथ रहा क्षेत्रीय जनता, जब तक इका नाम के दूर का ना हटे नेता सब, तो ये विकास घोषी का ना हो कभी। अब वह बात होती है घोषी काम विकास होता है, ये लोग अपन पेट भरत हुआ लोग जीत यत यत खाते हैं, मासोमा मासोमा दबे लोग के अपन जीवन बितावत हुआ है कि ना। आजमगढ़ भाग जाता हूँ। ये आइए भाई, आइए। क्या नाम? अरे हम लुंगी पंडित। अरे तो लुंगी पंडित, हम लुंगी याद नहीं जमा एजुकेशनला भाई, कैमरा मैन यहाँ से लीजिए। अब क्या नाम पड़ी है? इंद्रदेव चौहान। चौहान जी, क्या हाल है? ठीक है। चुनाव चला था पता, क्या माहौल लगा था? अभी माहौल का जब मैदान में जा आ जाओ तब ना, मैदान में पर्चा भरा गया, पर्चा। हाँ, तो भाई ना लोग ना ना भाई ना। अच्छा, अब कुछ ना माहौल चला था। अच्छा, केकर केकर में लड़ाई है? दारा बाटा है और सुधाकर बाटा, दो जन। अच्छा, एम के 20 बना था।
फिलहाल तो सुधाकर भी लगा था। देखिए, हमने कई लोगों से बात की और जैसा हमने बताया कि ये उपचुनाव है, सत्ता बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है और पूरी तरह से जनता के बीच स्थानीय और बाहरी का एक मुद्दा छाया हुआ है। और बताते चले कि सुधाकर सिंह को लोग स्थानीय बता रहे हैं क्योंकि इसी घोसी विधानसभा क्षेत्र में उनका घर पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को लोग कहना है कि वो बार बार दल बदलते हैं, जीत कर वो बाहर चले जाते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह लोगों की बातों से लबालुबाब मिलता है कि स्थानीय और बाहरी का मुद्दा इस विधानसभा के उपचुनाव में छाया रहेगा। इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहें घोसी लाइव के साथ।